लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो वहीं ओडिशा में विधानसभा चुनाव भी जारी हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को अपने प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी की है। इसमें महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान किया गया है। इसके साथ ही ओडिशा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए कुल 8 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी की ओर से जारी की गई लिस्ट की बात करें तो ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए 8 प्रत्याशियों का नामों का ऐलान किया गया है। इसमें तेलकोई विधानसभा सीट से डॉक्टर फकीर मोहन नईक, चंपुआ से मुरली मनोहर शर्मा, बास्ता से रविंद्र अंडिया और वसुदेवपुर से बनी कल्याण मोहती को टिकट दिया गया है। इसी तरह से हिंडोल विधानसभा सीट से सीमा रानी नायक, सलीपुर से अरिंदम रॉय, केंद्रपाड़ा से गीतांजलि सेठी और खुर्दा सीट से प्रशांत कुमार जगदेव को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट के लिए उज्ज्वल देवराव निकम को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बता दें, भाजपा ने पूनम महाजन को यहां से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अब पूनम महाजन का टिकट काटकर उज्ज्वल देवराव निकम को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि भाजपा ने मौजूदा सांसद पूनम महाजन का टिकट काट दिया है। उनकी जगह पर मुंबई उत्तर मध्य सीट से प्रमुख कानूनी विद्वान उज्ज्वल निगम को मैदान में उतारा गया है। बता दें कि भाजपा ने मौजूदा सांसद पूनम महाजन का टिकट काट दिया। उनकी जगह पर मुंबई उत्तर मध्य सीट से प्रमुख कानूनी विद्वान उज्ज्वल निकम को मैदान में उतारा गया है। दरअसल उज्ज्वल निकम ने सरकार के लिए कई महत्वपूर्ण मामलों में से 26/11 मुंबई आतंकी हमले का भी मामला लड़ा था।